कलगी वाले ने आखिया खालसा जी आओ गिदड़ो शेर बना दिया मैं जिस मात करो मात करो डरे जग सारा ते जून मरन दा गेड़ मुका ऐसा ही एक करामाती कारज 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नू साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने खालसा पंथ की स्थापना करके रचिया। इस मुबारक दिहाड़े गुरु साहब ने अपने सिंह नू बाणी नाल जुड़न का हुक्म दिता। उत्थे बाणे की महत्ता नू वेखते हुए उसनू विलखण ते न्यारा रूप देण लई पंज ककारां की मर्यादा भी बख्शी। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। पंज ककार विच केस एक गुरसिख ले सब तो मुढ़ला ते साबित सूरत होण दा प्रमाण है। इन्हीं की कृपा के गंगा प्रतीक है तन अते मन की स्वच्छता का। साफ तन विच ही शीतल मन की वसो होंदी है ते ऐसा मन ही खुद नाल इकसुर होके अकाल पुरख के निघे मिलाप नू लोचदा है। सर्वलोह धात का बनिया कड़ा चिन्ह है चढ़दी कला का। जिथे कड़ा गुरु के गौरवशाली सिख नू किसी कारज प्रति कुशल अते यतनशील रहने लई प्रेरदा है, उत्थे ही उस नू निर्दयी वक्त विच अडिग ते सशक्त रहने लई भी संकल्प दा है। जूत जीते नहीं के प्रसार कछहरा जो कि शारीरिक पर्दे दे नाल नाल सुचम प्रदान करता है अते नाल ही हर खालसे नू विकारां तो भी वरचदा है। कृपाण यानी कृपा निदान एक ककार सरबत दे भले लई निर्भय होके अपनी रक्षा लई हर सिख नू तारण करवाया गया है। कृपाणधारी सिख पुरजा पुरजा कट्टे जाण ते भी मैदान नहीं छड्डदा। सरदार